¿Cómo él? 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 ¿Y cómo él? ¿Cómo él? Nikhil, Arun, Nikhil, Nikhil, Arun, Nikhil, Arun. ये मेरे बच्चे हैं सर, निखिल और अरुण। क्या है चैन की? निखिल 10 साल का है और अरुण 8 साल का है। थे मेरी वाइफ कोमल, जब मैं घर पहुंचा सर तो मैंने उसके सेल पे फोन किया तो बेडरूम में उसका सेल बज रहा था। ये देखने में अंदर गया सर तो मनोज जी, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ चुराया गया है आपके घर से? कुछ पता नहीं है सर, कुछ सर कोई फोर्स्ड एंट्री नजर नहीं आ रही, दरवाजे के लॉक्स तोड़े नहीं गए। मैंने डोरबेल बजाई, कोई रिस्पांस नहीं था तो मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। पहले मैंने किचन में देखा, वहां कोई नहीं था तो मैंने कोमल को फोन किया। रिंग जा रही थी सर यहां बेडरूम से, मैं भागकर अंदर गया तो वो वहां पर पड़ी हुई थी। सर, मर्डर वेपन हो सकता है। मनोज जी, चाकू आपके घर का? जी सर। शेखर, इसे फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजो। सर, फर्स्ट हैंड कंक्लूजन यह कहता है कि कातिल कोई जान पहचान का ही रहा होगा जिसके लिए घर का दरवाजा खोला गया। शर्मा के घर के अंदर कोई एंट्री क्यों नहीं है? दिन में तो कोई नहीं आया था साहब। कोई नहीं आया और तीन तीन लाशें घर के अंदर ऐसे ही बिछ गई। उस फ्लैट की तरफ जाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तो पूरे दिन यही बैठा था साहब। पूरे दिन इधर ही बैठते, जितने भी घंटे होते हैं तुम्हारी ड्यूटी के हर वक्त इधर ही बैठे रहते। पानी की मोटर खोलने नहीं जाते, टॉयलेट नहीं जाते, कुछ नहीं करते। इन सब कामों के लिए तो जाना ही पड़ता है साहब, लेकिन इन सब कामों में तो मुश्किल से 2-4 मिनट लगते हैं। 2-4 मिनट में कोई अंदर से बाहर जा सकता है और बाहर से अंदर आ सकता है। सीसीटीवी कैमरा है सोसाइटी में? सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे कि लगाने वाले हैं। नाम क्या है तेरा? पंचम दास। सच सच बता, शर्मा के घर के अंदर कौन गया था? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। सिर्फ मनोज साहब गए थे घंटे पहले, इसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब,
गले के विंड पाइप्स काटे गए हैं तीनों के, और तीनों को एक एक करके मारा गया है। मुश्किल से कुछ ही मिनटों का डिफरेंस रहा होगा। कोमल पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं सर। बच्चों पर? नहीं। कत्ल कब हुए होंगे? डेड बॉडीज यहाँ लाने के लगभग 4 घंटे पहले। अभी 9:15 हुए हैं तो तकरीबन शाम के 4-4:30 बजे। हाँ सर। मुझे लगता है जब वॉचमैन सीट छोड़कर गया होगा तब कातिल फटाफट फ्लैट में घुस गया होगा या घुस गए होंगे, क्योंकि सोसाइटी के रजिस्टर में फ्लैट की कोई भी एंट्री नहीं है। और बाहर भी तभी निकला होगा या निकले होंगे जब वॉचमैन अपनी सीट पे नहीं था। मतलब सर मर्डर्स काफी जल्दी में किए गए। मनोज जी, आपने अपने सभी रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दिया? कोमल के पेरेंट्स मुरादाबाद से निकल चुके हैं। कोमल की छोटी बहन पूजा आगरा में रहती है, उसे भी बता दिया। क्या? ये क्या बोल रहे हैं जीजू आप? कब हुआ ये? कैसे? जीजू मैं अभी निकल रही हूँ, निखिल और अरुण आपके साथ है ना? क्या? आपके पेरेंट्स पहुंच ही रहे होंगे, चंदन चौक में रहते हैं। मनोज जी, रोज ऑफिस के लिए कितने बजे निकलते हैं? सर 9 के आसपास। आज भी 9 बजे के आसपास ही निकले थे? जी। अच्छा कोमल, निकल रहा हूँ, बाय। बाय मनोज। निखिल, अरुण रेडी हुए कि नहीं? लेट हो जाएगा। निखिल और अरुण 9:30 बजे स्कूल जाते हैं और 4 बजे लौटते हैं। आज भी 4 बजे ही लौटे होंगे, चिल्लाते हुए, मस्ती करते हुए। आपसे आपकी वाइफ से आज कोई मिलने आने वाला था, शाम में या दोपहर में कभी? मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। आपकी आपकी वाइफ की किसी के साथ कोई दुश्मनी? अवस्थी, खोदो, पता लगाओ पति पत्नी के बीच कोई माजरा तो नहीं था। पति पत्नी के बीच में सीरियस प्रॉब्लम की वजह से पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया, इस तरह के केसेस हमने बहुत देखे। पर क्या कोई बंदा अपनी पत्नी के साथ साथ अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों का भी कत्ल कर सकता है? बच्चे स्कूल से जस्ट लौटे होंगे सर, स्कूल के जूते उतारे, बैग रखा और बस कहानी खत्म। अगर पति पत्नी के बीच में किसी तरह की कोई अनबन थी तो घर में नौकर या आस पड़ोस में किसी को कुछ तो पता होगा। क्रियाक्रम के बाद सबसे डिटेल क्वेश्चनिंग करते हैं सर। और इस मनोज शर्मा और कोमल शर्मा के फोन रिकॉर्ड्स भी निकलो। जहाँ तक हम जानते हैं मनोज और कोमल के बीच सब कुछ सही था, और ये जो कुछ हुआ है ये सब देखकर तो हम सब लोग भी शॉक में हैं। स्वीटी जी, कभी कोमल ने आपके साथ कुछ शेयर किया हो? नहीं सर, हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, दुनिया भर की बातें शेयर करते थे, लेकिन उसने अपनी फैमिली प्रॉब्लम कभी डिस्कस की ही नहीं, शायद कुछ थी ही नहीं। रुपेश मेहरा, स्वीटी मेहरा कौन है? मनोज शर्मा के पड़ोसी है सर। और ये अजय शर्मा और शांति शर्मा? वो मनोज के माँ बाप है सर। ये सब क्या हो गया अजय जी? अलर्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया। मनोज इकलौता? जी सर। और ये जयप्रकाश और मालती मिश्रा कोमल के माँ बाप? हाँ सर। ये पूजा अग्रवाल और तन्मय अग्रवाल? पूजा विक्टिम कोमल की छोटी बहन है सर, और तन्मय अग्रवाल पूजा का बेटा।
हेलो, आर के नागपाल फर्टिलाइजर्स। नूपुरपुर पुलिस स्टेशन से PSI अवस्थी बोल रहा हूँ। जी सर, आपके मार्केटिंग हेड मनोज शर्मा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। कैसी जानकारी? 7 जुलाई को ऑफिस में वो कब तक था? सर मैं अभी चेक करके बताता हूँ। यहाँ पड़ी हुई थी वो, फिर मैं निखिल और अरुण के बेडरूम में गया। वो दोनों बाथरूम में। सर, मनोज और कोमल के फोन रिकॉर्ड्स क्लीन है। जान पहचान वाले से बात हुई? पड़ोसियों से बात हुई थी सर, मनोज का कोई अफेयर नहीं है। कोमल रेगुलर हाउसवाइफ थी, बच्चों में बिजी रहती थी। और ये मनोज का ऑफिस? कल शाम 6:30 बजे तक मनोज ऑफिस में ही था, सेल्स मीटिंग में। उसके बाद वो ऑफिस से निकला। चेक करने जैसे कोई मूवमेंट नहीं है सर। कैसा हो सकता है कि इस मनोज शर्मा के पास 2 फोन नंबर हैं? दूसरे फोन नंबर से इसने पूरी प्लानिंग की और फिर किसी और से तीनों कत्ल करवाया। हो सकता है सर, लेकिन कातिल जो भी होगा वो करीबी जानने वाला होगा। कोमल की लाश बेडरूम में पाई गई और कोमल की रजामंदी के बिना कोई उसके बेडरूम में कैसे एंटर कर सकता है? और कोमल शर्मा का किसी से कोई अफेयर नहीं था? फोन रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कुछ नहीं निकला सर, शायद खबरी कुछ बता सके। बेस्ट खबरियों को काम पे लगाओ, बहुत गहराई तक खोदना होगा। कातिल पक्का कोई इनर सर्कल का आदमी होगा जो कोमल शर्मा और उसके दोनों बच्चों को अच्छी तरह से जानता हो। सर स्कूल में मेरी बात हुई, कन्फर्म्ड है। बच्चे 3:55 पे बिल्डिंग के बाहर ड्रॉप हुए। 4 बजे तक कॉलोनी में दाखिल हुए होंगे। रोज की तरह मस्ती में घर पहुंचे होंगे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। घर में एंटर हुए होंगे और बैग्स रखे होंगे और उसके बाद स्कूल के जूते उतारे होंगे। और फिर उनके गले काटे गए और हमें दोनों बच्चों की लाशें बाथरूम में मिली एक साथ। उन दोनों को तो यह पता भी नहीं होगा कि बेडरूम में उनकी मां मारी जा चुकी है। सर हो सकता है निखिल और अरुण को पहले मारा गया हो और उसके बाद कोमल शर्मा को। नहीं अवस्थी, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर घर में कोई सिर्फ मेहमान बनकर आया था या आए थे तो कोमल शर्मा उसे अपने बच्चों के बेडरूम में क्यों लेकर जाएगी? और अवस्थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई घर में आराम से दाखिल होता है या होते हैं, क्योंकि घर में फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं। कोई घर में आता है फिर बेडरूम में जाता है और बेडरूम में जाकर कोमल शर्मा का उसी के घर के किचन नाइफ से मर्डर कर देता है। सर शायद पहले किचन में गए हों। क्या कोमल शर्मा उनके लिए चाय कॉफी बना रही थी? सर चाय कॉफी बनाने को निशान तो नहीं मिले किचन में। अवस्थी फिर किचन में क्यों जाएंगे और वो चाकू किचन से कब और कैसे लाया गया? 2 और 2 4 बैठ नहीं रहे अवस्थी। इस मनोज शर्मा की अंदर बाहर से ग्रिलिंग करनी होगी और इन दोनों फैमिलीज की भी। सर ये जो पूजा है ना, कोमल की छोटी बहन, उसका पति अविनाश अग्रवाल उस दिन शमशान घाट आया नहीं था सर, इतना बड़ा कांड हुआ फिर भी। जीजू चाय कुछ तो खा लीजिए। जीजू ऐसा कैसे चलेगा? इतना बड़ा हादसा, पत्नी की सगी बहन और 2 छोटे-छोटे बच्चों का कत्ल होता है और यह अविनाश अग्रवाल ना तो क्रियाक्रम में शामिल होता है और ना ही बाद में मिलने आता है। दाल में कुछ काला है, पक्का इस कत्ल के पीछे कोई पर्सनल एंगल है, क्योंकि घर से एक ढेला चोरी नहीं हुआ, सिर्फ एक औरत और 2 छोटे-छोटे मासूम बच्चों का दर्दनाक तरीके से कत्ल किया जाता है। क्या यह कत्ल किसी को दर्द देने के लिए किया गया? जयप्रकाश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी बेटी और दामाद के बीच में किसी तरह की कोई अनबन तो नहीं थी? कोई पारिवारिक झगड़ा या कोई सीरियस इशू जिसकी वजह से ये सब हुआ? बिल्कुल नहीं सर, दोनों में बड़ा प्यार था, 11 साल हो गए थे दोनों की शादी को। जयप्रकाश जी, अगर सब कुछ ठीक था, दोनों में प्यार था, तो फिर अचानक सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया? तो अचानक एक दोपहर को आपकी बेटी कोमल और आपके नवासों का कत्ल हो जाता है और आपके दामाद मनोज शर्मा को इस बात की भनक तक नहीं है कि उसका घर उसकी जिंदगी किसने उजाड़ दी।
और सर आप समझते हैं कि मैं ये बता सकूंगा कि वो दरिंदा कौन था? अगर मुझे पता होता तो शायद मैं उसका। जयप्रकाश प्लीज। तिवारी। जी सर। इस अविनाश अग्रवाल का कोई दूसरा नंबर है क्या? उनकी पत्नी पूजा ने तो यही नंबर दिया सर। जयप्रकाश जी, आपके दूसरे दामाद अविनाश अग्रवाल। उसका क्या सर? आपकी बेटी पूजा और अविनाश अग्रवाल की शादी कब हुई? 8 साल पहले। आपके दूसरे दामाद अविनाश अग्रवाल आपकी बेटी कोमल शर्मा के अंतिम संस्कार में नहीं आए, कोई खास वजह? सर, मेरी पत्नी ने पूजा से पूछा था। पूजा, अविनाश कहाँ है? अंतिम संस्कार पे भी नहीं आया। मैंने तो बोला था मम्मी, उन्होंने कहा कुछ काम में अटके हुए हैं। जीजू, मैं अभी निकल रही हूँ। निखिल और अरुण आपके साथ है ना? क्या? अविनाश, कोमल दीदी और बच्चों का मर्डर हो गया है। हाँ, बताया तुमने। वो कल मुझे बहुत काम है और सुबह जल्दी भी उठना है। क्या? तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ और तन्मय को भी अपने साथ ले जाओ। मैं अपना काम निपटाकर कल आता हूँ। उनका फोन आउट ऑफ रीच जा रहा है मम्मी, शायद किसी काम में बिजी होंगे। ऐसा भी क्या काम था आपके दूसरे दामाद अविनाश अग्रवाल को कि वो दूसरे दिन भी गायब रहे? सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका इशारा क्या है। जयप्रकाश जी, आप ये तो समझ पा रहे हैं ना कि मैं इशारा कर रहा हूँ? सर्विस करने वालों की अपनी भी कुछ मजबूरियां होती हैं कि नहीं, अटक गया होगा कहीं। लेकिन उसके पास भी अविनाश का फोन अभी भी आउट ऑफ रीच है। जयप्रकाश जी, आपका पूरा विश्वास है कि आपकी दोनों बेटियों की शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी? कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? इतना तो आप जानते ही होंगे कि सच को खामोशी में लपेटना भी कानून की नजर में झूठी माना जाता है। कमाल कर रहे हैं आप, बेटी खोई है तो छोटे छोटे नवासे खोए हैं मैंने, और आप है कि मुझ पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। अवस्थी, जब रिश्तों में बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखे या ये दिखाने की कोशिश की जाए कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो पीछे बहुत कुछ सड़ रहा होता है। सर, इस मनोज शर्मा को उठाते हैं, हिलाते हैं, जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा। जीजू, आपका फोन। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था दोस्त। मनोज जी, हमें ये इंसर्ट जॉब लग रहा है, मतलब आपके किसी जान पहचान वाले का। अब कातिल एक था या एक से ज्यादा, जो भी था, लेकिन इतना तय है कि वो जो भी था आपकी पत्नी कोमल और आपके दोनों बेटे अरुण और निखिल को करीब से जानता था, शायद बहुत करीब से। तो बताइए, अपनी पत्नी और दोनों बच्चों का कत्ल क्यों किया? आप इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकते हैं? कातिल को उसके किए की सजा दिलवाने के लिए हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल, आप ये बताइए कि आपका साडू अविनाश अग्रवाल आपकी पत्नी कोमल के क्रियाक्रम में शामिल क्यों नहीं हो? कत्ल हुए 2 दिन हो गए लेकिन वो मिलने तक नहीं है। मैंने पूजा से पूछा था, वो बोली काम में बिजी है वो। घर के 3 करीबी लोगों का कत्ल हुआ जिसमें 2 छोटे मासूम बच्चे शामिल, इतना क्या बिजी? सच कहूं सर? सच ही कही। अजीब तो मुझे भी लगा, वो नहीं आया। चलो, कोमल उसे पसंद नहीं थी, लेकिन बच्चे? कोमल पसंद नहीं थी मतलब? बोलिए। नहीं नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। तो कैसी बात? वो हमारी फैमिली और पूजा की फैमिली के बीच में उतना अच्छा नहीं था। क्या अच्छा नहीं था? रिश्ता। मनोज शर्मा, इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। अगर आपका इरादा हमें कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाकर
गुमराह करने का है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस कुर्सी पर बैठ के मुझे बहुत लोगों ने झूठी कहानी सुनाई, और जो हमें झूठी कहानी सुनाता है उसका हम बहुत बुरा हाल करते हैं। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं सर, दरअसल अविनाश कोमल से नाराज था। पूजा और अविनाश के बीच में खटास पड़ चुकी थी। अभी आप कह रहे हैं कि अविनाश की कोमल से नहीं बनती है, एक सेकंड पहले आप कह रहे थे कि दोनों फैमिलीज की आपस में नहीं बनती थी। वही कह रहा हूं सर, सब कनेक्टेड है। पूजा और अविनाश के बीच में टेंशन थी क्योंकि हमारी फैमिलीज के बीच में टेंशन थी, क्योंकि पिछले 3 साल से अनबन चल रही थी। कैसी अनबन? पूजा और अविनाश के बीच में लड़ाइयां चल रही थी, और कोमल 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 उन दोनों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश कर रही थी। हर वाइफ की बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती है अपने हस्बैंड से, उसमें कुछ गलत नहीं है। एक्सपेक्टेशन बेसिक वाले में सब समझता हूँ, लेकिन ये जो ख्याली पुलाव बनाने रहना है ना, ये पागलपन है। ख्याली पुलाव? 8 साल हो गए हमारी शादी को अविनाश, तब जो हालात थे आज भी वही है, एक इंच आगे नहीं बढ़े हैं हम। तो पीछे भी तो नहीं गए ना हम, पर आगे बढ़ने से क्या मतलब है तुम्हारा? ज्यादा पैसा क्या करोगी क्या इतने पैसों के? तुम क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? और अगर पैसे से इतना ही प्यार है ना, तो गो एंड फाइंड योरसेल्फ अ बेटर जॉब, जाओ जाओ नौकरी करो, और दोनों हाथों से बटोरो पैसे। तो तुम में वो एम्बिशन क्यों नहीं है अविनाश? आई मीन तुम जवान हो, पढ़े लिखे हो, अच्छा खासा कमा लोगे तो सबके लिए अच्छा ही होगा ना, तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है कोमल, मुझे पैसों की गुलामी नहीं करनी है। वाह, देख रही हो दीदी क्या जिंदगी जी रहे हम लोग। मेरी एक ठीक ठाक जॉब है पूजा, मैं मानता हूँ कि मैं मनोज जितना कमाता नहीं, या फिर कोमल जितना पॉश घर नहीं है हमारा, लेकिन हम ठीक हैं पूजा, और ये बात अपने लालची भेजे में तुम डाल लो, एंड स्टॉप कंपेयरिंग। मैं कंपेयर सिर्फ अपने आप से करती हूँ, 8 साल पहले और अब कोई चेंज नहीं आया है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। घर की हालत देखो, अपना अपना सेविंग्स अकाउंट देखो, इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट है हमारी? अरे इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, एक अच्छी छुट्टी पे भी नहीं गए आज तक। तुम वहां ऑफिस में सड़ते रहते हो और मैं यहाँ घर पे, सड़ना ही जिंदगी है या? मुझे बता दो अगर सड़ना ही जिंदगी हो गई अब तुम्हारे लिए। देखो अविनाश, जमाना महंगाई का चल रहा है, कुछ देर के लिए तुम पूजा के लिए से जिंदगी को क्यों नहीं देखते? इतनी भी जिद ठीक नहीं है ना। रहने दो दीदी, ये आदमी जानबूझ के कुछ नहीं करता सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। क्या मैं जानबूझ के कम कमाता हूँ? देख रही हो कोमल किस तरह बकवास करती तुम्हारी बहन? एक बात ठीक से समझ लो तुम पूजा, कि हमारी चद्दर जितनी लंबी होगी उतना ही पैर फैलाएंगे, एंड दैट्स इट। कहाँ ये बाबा आदम के जमाने की बात लेकर बैठ गए, चद्दर के परे क्यों नहीं सोचते? अरे कुछ देर के लिए पूजा क्या चाहती है वो तो समझ लो, उसकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश तो करो। ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी वो तुम्हारी गुलामी करती रहे। कोमल, तुम पूजा और अविनाश के मामले में कुछ ज्यादा दखल दे रही हो, मत करो। पूजा अविनाश के साथ खुश नहीं है। तो कोमल, वो पति पत्नी के बीच की बात है, तुम्हें पता है आज अविनाश ने मुझे फोन किया था। क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब, वो अपसेट है तुमसे, कह रहा था मुझसे कि तुम्हें दूर रखे उन दोनों के मामलों से। पूजा मेरी बहन है, उसकी तकलीफें मेरी तकलीफें हैं। कोमल, तुम अपने बारे में क्यों सोच रही हो सिर्फ, निखिल और अरुण के बारे में सोचो, वो दोनों तन्मय से कितने करीब हैं, अविनाश से भी हैं, और हमें रिश्तों में दरार क्यों डाल रही है सबके? मनोज, दरार ऑलरेडी गहरी हो चुकी है, पूजा डिवोर्स लेने वाली है। क्या? कहीं डिवोर्स का आइडिया तुमने तो नहीं डाला पूजा के दिमाग में? क्यों, उसका खुद का दिमाग नहीं है, वो खुद सोच समझ नहीं सकती कि ये शादी उसके लिए नर्क बन चुकी है। मनोज, पूजा को सपोर्ट करना, उसकी लाइफ में दखल देना नहीं है, इस वक्त उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। और ये तुम अविनाश के साइड ना ही लिया करो तो अच्छा है, उस आदमी में एक पैसे का एम्बिशन नहीं है और ऊपर से इतना बड़ा ईगो। इसीलिए अविनाश का अंतिम संस्कार में ना आना मैं समझ सकता हूं। दरअसल एक ख्याल तो ये भी आता है सर, कि कहीं उसी ने तो नहीं मार डाला कोमल और मेरे बच्चों को। सर, अविनाश का फोन 10 मिनट के लिए ऑन हुआ था, वापस स्विच ऑफ हो गया, भाग रहा है। मतलब
बात इतनी बिगड़ चुकी थी। इनके घर पे जाओ और अविनाश की पत्नी पूजा से बात करो, पता करो कि अविनाश अग्रवाल कहाँ हो सकता है। अविनाश का फोन आउट ऑफ रीच है, कल से ऑफिस भी नहीं गया है। सर, आगरा पुलिस अविनाश के घर गई थी, लॉक है। आपके सास ससुर कहाँ रहते हैं? जी, लखनऊ में रहते हैं। फोन नंबर दीजिए उनका। 98 अविनाश का नहीं है सर। हो सकता है वो किसी और नंबर से फोन कर रहा हो, लेकिन याद रहे आप इस वक्त पुलिस स्टेशन में हो, इस बारे में से कुछ मत बोलिएगा। बात करिए जी। हेलो, मिसेज पूजा अग्रवाल जी बोल रही हूँ। UP XX2387 ये आपके हस्बैंड की बाइक का नंबर है, अविनाश अग्रवाल की। जी हाँ, कहाँ है वो और आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं PSI गोविंद बंसल बोल रहा हूँ, रेलवे पुलिस से। रेलवे पुलिस? आपके पास अविनाश की बाइक कहाँ से आई? मैडम, अविनाश की बाइक मुझे रेलवे ट्रैक के पास पड़ी मिली है। आपका नाम और नंबर उनके बटवे से मिला है जो लाश के बगल में पड़ा था। लाश? जी हाँ लाश, शायद आपके पति की मौत ट्रेन के नीचे आने से हुई है। क्या हुआ पूजा जी? क्या हुआ पूजा जी? पूजा, क्या हुआ? पूजा, संभालो अपने आप को। ट्रेन ड्राइवर ने बयान दिया है कि उसने अविनाश को देखा ट्रैक पर आते समय, सारे वार्निंग के बावजूद वो हिला नहीं। ये सुसाइड केस लगता है। सर, अविनाश अग्रवाल के सेलफोन लोकेशन के हिसाब से वो 7 जुलाई को दोपहर 3 से 5 के बीच मनोज शर्मा के घर के आसपास था, गाजियाबाद, और आज सुसाइड से पहले उसकी बात किसी चंदन यादव से हुई थी, आगरा में। कब की बात? सर आज, अभी थोड़ी देर पहले जब उसका सेलफोन ऑन हुआ था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था दोस्त। उठाओ इस चंदन यादव को। चंदन यादव अविनाश अग्रवाल का दोस्त था। वो पहले यही कहता रहा कि उसे कुछ मालूम नहीं, पर आखिरकार उसने पुलिस से सच कहा। चंदन ने इस रोंगटे खड़े करने वाले ट्रिपल मर्डर की सारी हकीकत पुलिस को बयां की। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कहता हूं। अविनाश मेरा दोस्त था, लेकिन इस कांड में मेरा कोई हाथ नहीं है। सर, चंदन यादव, तो इस कांड के बारे में जो कुछ भी जानता है ना, सब कुछ बता दे A to Z, वरना तेरे हाथ तो क्या, तेरे हाथ पैर नाक कान कुछ भी नहीं बचेंगे। चल पकना शुरू कर। सर, 7 जुलाई की रात को मैं और अविनाश रात में बाहर में बैठे थे। वो एक अरसे से परेशान चल रहा था। उसकी वाइफ जो है पूजा, वो उससे डिवोर्स मांग रही थी। यार चंदन, समझ नहीं आ रहा कि पूजा को कैसे समझाऊं। मेरी बात सुनती ही नहीं है वो। कोमल की, कोमल ने सारी बकवास उसके दिमाग में डाल रखी है। सीधा ना कोमल और उसके हस्बैंड को पकड़, सामने बिठा और सीधे सीधे बोल दे कि भैया देखो, अपनी लाइफ से मतलब रखो, हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। हाँ, बोलकर समझा कर हो गया, काफी बार बोला भी उसे और समझाया भी। अबे तू एक बार अच्छे से समझा, मजबूत होकर बात करेगा तो ही बात बनेगी। अब कोमल दखलंदाजी कभी नहीं करेगी।
और ना ही अपना मुंह खोलेगी। मतलब यार चंदन, अबे तू रो क्यों रहा है? आज मैं कोमल के घर गया था उसे बात करने। हाँ तो हुआ क्या? सब खत्म हो गया है। अविनाश, वो क्या है, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आओ ना। बोलो। वो कोमल, बात क्या है कि मेरा ना सर बहुत दर्द हो रहा है, क्या एक कप चाय मिलेगी? हाँ मैं अभी पूछने वाली थी, मैं लेकर आती हूँ। कोमल। अरे तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। वो क्या कि मैं कहना चाहता था कि पति पत्नी की बात होती है ना, वो पति पत्नी के बीच में ही रहनी चाहिए। तो मैं पराई थोड़ी हूं, बहन हूं उसकी, और वो भी बड़ी। उसकी खुशी क्या है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूं, इसलिए उसके फैसले को मैं सपोर्ट कर रही हूं। क्यों कोमल? क्यों मतलब क्या? पूजा तुम्हारे साथ खुश नहीं है और तुम भी उसके साथ खुश नहीं हो। देखो अविनाश, डिवोर्स इतनी बुरी चीज नहीं है, तुम दोनों के लिए अच्छा है और तन्मय के लिए भी। और पूजा का ये फैसला बिल्कुल सही है। पूजा का ही तो फैसला नहीं है कोमल, ये तुम्हारा फैसला है। तुम मेरी, तन्मय की और पूजा की जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई। अविनाश बस, तुम्हारे साथ झगड़ा करने का मेरा कोई मूड नहीं और मेरे पास समय भी नहीं है। बच्चे अभी आते होंगे, प्लीज तुम निकल जाओ। मुझे भी तुमसे लड़ना नहीं है कोमल, मैं भी थक गया हूं लड़ने से, बस बहुत हो गया। अविनाश ये क्या कर रहे हो? चक्कू नीचे रखो और निकल जाओ मेरे घर से। अरे तुम निकल जाओ मेरी जिंदगी से, तुम निकल जाओ। अरे अभिनाश मासा, आप कब आए? बस मैं अभी आया। धन में भी आया है? नहीं मैं अकेला ही आया हूँ। आओ अंदर आओ। मौसा मम्मी कहाँ है? तुम्हारी मम्मी जो है ना वो बाजार गई हैं, कुछ सामान लाने, बस आती ही होंगी। मैं ना तुम्हारे लिए एक गेम लेकर आया हूँ। नया गेम? बहुत ही मजेदार है, मैं तुम्हारे कंप्यूटर में डाल देता हूँ। वो अपना तन्मय है ना, वो पूरा पूरा दिन खेलता रहता है। निखिल, निखिल ये टैप नहीं चल रहा है। आया मौसा। अरे निखिल भैया, आपने तो मॉनिटर स्टार्ट भी नहीं किया है।
अरुण बेटा तुम अंदर आओ जरा, निखिल से नहीं हो रहा है। उसी समय बच्चे भी वहां आ गए। यार चंदन, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, नहीं मारना चाहता था। ये मैंने क्या कर दिया चंदन? यार बच्चों की तो कोई गलती भी नहीं थी। तुझे वहां किसी ने देखा तो नहीं? जब मैं वहां पहुंचा तो वॉचमैन अपनी सीट पर नहीं था, और जब मैं वहां से निकला तब भी वो अपनी सीट पर नहीं था। मुझे किसी ने नहीं देखा चंदन, सिवाय किसके? मेरे जमीर ने देख लिया यार, मुझे पहचान लिया, मुझे नंगा कर दिया। मुझे मैं इस खेत के साथ जिंदा नहीं रह सकता यार, कभी नहीं रह सकता। परिंदा बन गया यार चंदन, तीन खून किए मैंने, उसमें से तो बच्चे तब मैं जीत। सर मैंने उससे बोला, कई बार बोला सर कि तू सरेंडर कर दे, जो सजा मिलेगी भुगत ले, पर उसका दिमाग खराब हो रखा था सर। और फिर उसने मुझे फोन किया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था दोस्त। तो तूने डिसाइड कर लिया? हाँ। कब कर रहा सरेंडर? अभी। है कहाँ तू? देख मैं भी आता हूँ तेरे साथ पुलिस थाने। ना, पुलिस के सामने नहीं, मैं भगवान के आगे सरेंडर कर रहा हूँ। मैं और जी नहीं सकता यार, अब मेरा टाइम आ गया यार, मेरा टाइम आ गया। वाह चंदन यादव, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया कि वो सुसाइड करने वाला है, लेकिन तुम चुपचाप बैठे रहे। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया कि उसने तीन कत्ल किए हैं, लेकिन तुम फिर भी चुपचाप बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सर क्या करता मैं, दोस्त था वो मेरा सर, और वैसे भी सर उसने मर्डर के बाद मुझे सब कुछ बताया। लेकिन तुम तो मर्डर के पहले पुलिस को बता सकते थे ना, तुम्हारा दोस्त था ना, गहरा दोस्त, उसने बताया होगा ना तुम्हें कि वो कोमल शर्मा और उसके दोनों बच्चों का कत्ल करने वाला है? नहीं सर, उसने मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला सर। अगर ऐसा कुछ भी बोलता सर, मैं उसे रोकता, ऐसा कुछ भी नहीं होने देता सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, उसने मुझे जो कुछ भी काम, मैं सब कुछ सच सच आप लोगों को बता दिया हूँ सर। सर सच कह रहा हूँ सर, यकीन सर मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर मेरी बात सुनिए सर, मैं बस सच कह रहा हूँ सर। सर उसने जो बोला था बस सब बताया मैंने। कोमल और पूजा के माता पिता शौक में हैं। उन्हें पूजा और अविनाश के बीच की दूरी का कोई अंदाजा नहीं था। मनोज के माता पिता सुन पड़ गए हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक दूसरे ही जोड़े के बीच की घरेलू प्रॉब्लम की वजह से उनके दोनों पोतों को इतनी बेरहमी से क्यों छीन लिया गया। मनोज और पूजा के लिए यह धक्का बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अविनाश इतना भयंकर कदम उठाएगा, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कोमल पूजा और अविनाश के घरेलू मामले में दखल दे रही थी। पछतावा, खेद, ये एक ऐसा जज्बात है जो किसी कर्म को करने के बाद होता है, या फिर कुछ होते वक्त ना करने से भी हो सकता है। दुख की बात है कि यह खेद का जज्बात जुर्म की सजा के साथ मिलकर मुजरिम के साथ साथ और कई लोगों का दुख दुगना कर देता है। इस केस में एक जवान मां और उसके दो मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया गया, और अविनाश के खेद ने उससे खुद अपना कत्ल भी करवा दिया। अविनाश ने सोचा कि जो शख्स उसे दर्द दे रहा है उसे मिटाकर उसका अपना दर्द चला जाएगा, पर इस दर्द ने खुद उसे भी मिटा दिया।
और अब ये दर्द सभी जीवित लोगों के दिलों पर एक परमानेंट पत्थर बनकर रह गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ सीआईडी के एपिसोड के बाद। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।